क्या आप जानते हैं कि सीएसवी फाइल से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके क्लास 12 के एग्जाम में। तो आज हम लोग उसी सीएसवी फाइल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा। सीएसवी का क्या मतलब होता है? सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। चलिए एक एक्सेल की फाइल बनाते हैं, एक्सेल की, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ पर एक्सेल पे एक मैं फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहीं पर एक फाइल हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए, आप बड़ा डेटा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार बात समझ में आ जाएगी तो फिर चीजें आसानी से होती चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर समझ में नहीं आएंगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी। तो यहाँ पर मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट कर लिया, फिर ये क्लास कर लिया। अब यहाँ से इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट में राम श्याम कुछ ऐसे कर देते हैं दो नाम, और यहाँ पे क्लास कर देते हैं, जैसे क्लास 12th, यहाँ पे लिखा 12th C, ठीक है, यहाँ पे लिखा 12th B, तो कुछ ऐसे मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस पे मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ, Alt+HBA करके, तो ये बॉर्डर भी लगा दिया। अब इसको सेव करना है, तो सेव करते वक्त कैसे सेव करेंगे, तो इसको सेव करिए। देखिए यहाँ पे चल के सेव पे क्लिक कीजिएगा, सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको सेव एज टाइप मिलेगा। तो यहाँ से बहुत सारे आपको एक्सटेंशन मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे फाइल्स के टाइप मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको करना क्या है, इसे CSV फाइल, एज ए CSV फाइल आपको सेव करना है, क्या CSV फाइल, ठीक है ना। और ये डॉस के ऊपर CSV फाइल, एज ए CSV फाइल हम सेव करेंगे। देखिए मैकिंटोस अलग एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसमें नहीं करना आपको, आपको डॉस वाले पे करना। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या आप देना चाहते हैं वो देखना होगा, तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ माई CSV फाइल, माई CSV मैंने नाम दे दिया, और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे, ठीक है ना। तो ये डेस्कटॉप पे इसको सेव किया, ठीक है, यस कर दीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा डेस्कटॉप पे। अब इसका देखना होगा कहाँ ये गया है, तो ये आप देख सकते हैं माई CSV फाइल आपके डेस्कटॉप पे ही आया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये माई CSV। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसका हमें पाथ मिल जाता है, यहां से जा करके हमें कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से आपको इसका पाथ मिल जाएगा, फुल पाथ आपको यहाँ से लेना होगा, तो यहाँ से फुल पाथ आप ले सकते हैं। ये जो पाथ है ना, ये इसी का पाथ है, इस फाइल का। तो यहाँ से इसको ले लीजिए इस तरीके से, और mycsv.csv के नाम से है ये। तो यहाँ पर इसको मैंने पाथ को कॉपी कर लिया है। अब चलेंगे हम कहाँ, पाइथन के ऊपर, और यहाँ पाइथन की सेल है, पाइथन के सेल पे हमें कोडिंग करनी नहीं होती है। तो यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पर नया फाइल ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर इसको समझ लिया तो फिर सारे काम हो जाते हैं आसान, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आगे किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इम्पोर्ट पांडास। अगर आपने पांडास को इम्पोर्ट नहीं करा है तो पहले पांडास को डाउनलोड करिएगा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है ना। इम्पोर्ट पांडास एज PD कर दिया मैंने, ठीक है, और एंटर करके नीचे आएंगे। क्योंकि यहां पर दिया मैंने एज PD, यहां पे देख रहे हैं ऊपर हमने एज PD दिया था, तो यहां पर हमारे फाइल का नाम है MyCSV। मैं आपको फिर दिखा देता हूं, देखिए ये फाइल है हमारी, ये MyCSV के नाम से जो एक्सेल फाइल है, एज ए CSV फाइल हमने इसको सेव किया था, तो यहां पर हमने इसको नाम दिया MyCSV, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे MyCSV इज इक्वल टू PD, यहां पर दिया एज PD, या PD.read_CSV लिख करके ब्रैकेट को ओपन किया, और वो जो पाथ हमने दिया था उसको यहां पे पेस्ट कर दिया। यहां पर देख सकते हैं जब पेस्ट करेंगे पाथ को तो ये ऐसे आएगा, मैं फिर दिखा देता हूं। देखिए यहां पे है ना, इस पाथ को अगर आप पेस्ट करते हैं, देखिए तो ये पेस्ट करेंगे तो ये डबल डबल स्लैश लगा हुआ नहीं आएगा, तो आपको ये डबल डबल स्लैश लगाना है कहां तक, जहां जब तक कि आप डेस्कटॉप तक ना पहुंच जाए। और बाकी यहाँ फाइल का नाम डाल दीजिएगा और उसी को एक्सेस करना है MyCSV को, तो यहाँ पे MyCSV को प्रिंट करवाइएगा। जैसे ही करवाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसमें और भी चीजें मैंने ऐड कर दी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये फाइल चलेगी तो आप देख पाएंगे इसमें और भी नाम आ रहे हैं, क्योंकि ये और भी नाम मैंने ऐड किया। अगर इसमें आप और भी नाम ऐड करते हैं, अगेन देखिए मैंने कुछ और भी नाम ऐड किए हैं, यहाँ पे देखिए रितेश राजू ये भी ऐड किया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें और भी नाम आ सकते हैं, कैसे आएंगे, तो यहाँ पर जब हम जाएंगे ना, यहाँ पर अलग से नाम एंटर करता हूँ, लाइक यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये लिख दिया पल्लवी, ये लिख दिया ना, एक और नाम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पे 12th कर देता हूँ, ये 12th कर दिया, देखिए एक और नाम आ गया, ठीक है ना। और नाम चाहते हैं तो और नाम, अमर एक नाम और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कर देता हूँ O-level, ये लिखा O-level, इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ देखिए और भी नाम आते चले जाएंगे, देख रहे हैं। अब ये तो सेव करना होगा हमको, तो यहाँ से इसको सेव कर देते हैं, जैसे है बिल्कुल वैसे ही, एज ए CSV फाइल ही हमें सेव करना है, तो ये सेव हो जाएगा। अब सेव हो जाएगा तो फिर जब इसको रन कराएंगे तो वो नाम भी इसमें आएंगे। तो देखिए यहाँ पर
ये पल्लवी और अमर, ये दोनों नाम भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, इससे रिलेटेड और भी वीडियोज आती रहेंगी आगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, साथ ही कोई डिमांड हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।